फ्रेंड्स, ये हमारी चैनल टेक जुगाड़ है और ये एक एलईडी लाइट है जो कि मैंने मार्केट से परचेस किया है और ये इसने काम करना बंद कर दिया है। तो इसे हम आज रिपेयर करेंगे और इसको फिर से वापस यूज़ में लाएंगे। तो देखते हैं इसके अंदर पहले क्या है। मैंने इसे ओपन करके रखा है, अब देख सकते हैं इसके अंदर ये SMD LEDs हैं। एक सर्किट है, ये देखिए, इसमें पेपर कैप और इसके अलावा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बेसिकली इसमें जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट, उसे ड्रॉप करके ये 6 LEDs को जलाने के लिए सप्लाई आती है। और इसमें जो है ये LED लाइट फ्यूज़ हो गई हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट जला हुआ नहीं है। हम इसे चेक करते हैं एक बार, टेस्टिंग रेंज पे सेट करेंगे ये देखिए, और उसके बाद ये LED की हम देखेंगे कि ये चालू है नहीं। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया ये पहली, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ मगर ये LEDs नहीं जल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये LED फ्यूज़ हो गई हैं। तो अब हम इन LEDs की जगह पे दूसरी LED लगाएंगे। सो LEDs हैं ये, देखिए ये काली दिख रही हैं, ये जल चुकी हैं। ये हम ऐसे फिजिकली भी देख सकते हैं, मगर हमने इसे टेस्ट किया तो ये जली हुई हैं। तो इन LEDs की रिप्लेसमेंट में हम इसमें ये LED लगाएंगे जो कि 1 वॉट की LED है। इससे थोड़ी सी लाइट भी तेज़ होगा और ये फ्यूज़ भी नहीं होती, क्योंकि इसमें हीट सिंक होती है साथ में। और ये वाली LEDs जो है SMD, ये अवेलेबल है मार्केट में, मगर इनको लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसकी जगह पे ये लगाएंगे। ओके, जो हमारा सर्किट है इसमें ये सप्लाई वायर्स हैं, इसके प्लस माइनस ये डायोड के हिसाब से चेक कर सकते हैं, और मैंने इनकी पोलैरिटी भी चेक करी है। इसमें ये कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर की पोलैरिटी चेक करी है मैंने, तो ये वाला साइड प्लस है। तो अब हम ये जो कनेक्शंस हैं उन्हें ऐसे ही जोड़ेंगे इसमें, और एक वायर ये यहाँ पे और जो माइनस वायर है वो यहाँ पे। इसके बाद हम इन्हें देखेंगे जला के, अगर ये जल गई तो फिर हम इसे फिक्स करके इसे बंद कर देंगे। ये हमने ये LEDs को जो है सीरीज़ में जोड़ लिया है, और इसमें हमने पोलैरिटी के हिसाब से इसमें प्लस माइनस में जोड़ा है, जो कि ये कैपेसिटर की पोलैरिटी है। और हमने इसमें 5 लगा के चेक किया, मगर 5 वर्क नहीं कर रही हैं, तो हम इसमें 6 ही लगा रहे हैं। और चलिए अब इसे हम ऑन करके देखते हैं। ये जो हमने वायरिंग जोड़ी है, अब हम इसे ये वाला जो कवर है इसके बिना लगाएंगे, तो हमारा लाइट थोड़ा और तेज़ हो जाएगा। तो हम इसे इसके कॉर्नर पे, ये कॉलर जो है इसकी, यहाँ पे इसे ग्लू स्टिक से चिपकाते जाएंगे। तो चलिए, हमने जोड़ दिया है और इसे हमारे घर की सप्लाई जो 220 वोल्ट है इस पर लगा दिया है। अब हम इसे फर्स्ट रन के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए, ये हमारा जो सर्किट है वर्क कर रहा है। तो प्रोजेक्ट है, ये वर्क कर रहा है। आप भी इसे ऐसे घर में बना सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नए आइडियाज़ देते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।